उत्तर प्रदेश का जनपद सीतापुर इस समय जो है भेड़िए के नाम से अछूता नहीं रह गया है, क्योंकि आपको बता दें कि इतवार की रात सीतापुर के हर गांव विकास खंड के परसेरा शरीफपुर में जो है एक भेड़िया देखा गया, और जिसने तीन महिलाओं के ऊपर हमला किया और एक व्यक्ति के ऊपर हमला किया व एक मवेशी के ऊपर भी उसने हमला किया, जिसके बाद से आप ये मान के चलें कि जिसके बाद से यहाँ पर जो है माहौल बड़ा संजीदा हो गया है, लोग रात रात जग रहे हैं। और आपको बता दें कि कल रात की बात है, ये जो परसरा शरीफपुर जहाँ पर ये जानवर दिखाई पड़ा, जिसको ग्रामीण जो है वो भेड़िया बता रहे हैं और जो वन विभाग है उसको सियार बता रहा है, लेकिन क्या निकल के आता है ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल आपको बता दें कि इतवार की रात से और अभी तक ग्रामीण जो है वो रात रात जग कर जो है अपने बच्चों की अपने मवेशियों की रक्षा कर रहे हैं। आपको बताएं कि कल रात को परसेरा शरीफपुर के ही मजरा कसिमापुर में कल रात में भी कोई जानवर एक देखा गया, जिससे जो है दहशत का माहौल गांव में बना हुआ है। लोग रातों में जग रहे हैं और अपने बच्चों की अपने मवेशियों की सुरक्षा में लगे हुए हैं, और क्या माहौल है इन्हीं से जानते हैं कि कल रात की क्या बात है और गांव में इस समय क्या माहौल है, बताएं। कल वाले दिन हमारे वहां जो 10 बजे आया था वो भी हम भगाए थे, उसके बाद में फिर 2 बजे फिर अटैक किया, तब 2 बजे हमारी बकरी को नोच दिया, तब हम जो है उसको भगा कर कुआं के पास तक लाया, वहां से वो गन्ना में घुस गया, बकरी हमारी भाग गई। तब उसको गांव वाले सब लोग पड़ोस के सब लोग जाग गए हैं, तब जो है उसको पकड़ के लाया हूँ। क्या नाम है? राम जी। ये जो है परसों की घटना को बता रहे हैं। कल जो है ये जो कसिमापुर का कसिमापुर गांव है, इसमें जो है कल रात में एक जानवर देखा गया, और आपको बता दें कि वो जो जानवर देखा गया, यहाँ पर वन विभाग भी मुस्तैद है, बराबर लोग सर्च कर रहे हैं, और जो यहाँ की वन क्षेत्राधिकारी बीनू पाल हैं वो देर रात तक यहाँ इस गांव में दोनों गांव में मौजूद रहीं, और वो भी जो है अपने हिसाब से इस प्रकरण को देख रही हैं। लेकिन कल जो है ये सोहन का मकान है, सोहन के मकान के पास में कोई जानवर देखा गया, क्या हुआ रात में आइए हम जानते हैं। पकड़िए मत, इधर देख। कल रात में यहाँ पर मतलब आया रात में, तो वो जानवर पंजाब जा बनाए, बाकी हम लोग रफ्तार तो भागा जरूर भागा, कुछ लोग परसरा गांव के लोग आए, उसने खुद भी रफ्ताया, तो फिर वो उत्तर रोड पर भागते भागते निकल गया 2 बार, फिर नहीं दिखाई पड़ा हमको। रात भर फिर बैठे रहे हम लोग, लेकिन फिर आवाज़ तक नहीं आई, लेकिन है तो जरूर। अच्छा, वन विभाग इसको सियार बता रहा है, और आप क्या समझ रहे हैं उसको, कौन सी चीज़ है? और सियार तो है नहीं, है कोई भी जानवर ऐसा है कि हर आदमी पर झपट पड़ते हैं, और पायर तोड़ तो जरूर दीगा। और लोग भी गांव के हैं यहाँ पर, उनसे भी जानेंगे हम कि जो है कल रात की घटना बताएं, और गांव का क्या माहौल है और कैसे जो है आप लोग सुरक्षा कर रहे हैं अपनी। कल रात में 10:30 के मतलब करीब में 2 बार यहाँ अटैक किया है, ठीक है, उसके बाद में इधर से आया है, तो यहाँ पे बैठे थे हम लोग, तो उसको डंडे से रपटाया, तो वो पहले कुत्ते यहाँ पे थे उन्हीं पे वार किया, तो हम लोगों ने डंडे से उसको भगाया है, तो वो इस तरफ भग के गया है। कल वाली रात में 10:30 के बीच में यही हुआ है यहाँ पे, और रात भर जगना पड़ता है अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा करना पड़ता है यहाँ। हाँ, और बहुत माहौल खराब है यहाँ का। और भी लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं कैसा माहौल है गांव का। अरे माहौल गांव तेरा बहुत खराब है, बहुत लोग डर रहे हैं। अच्छा, और खूंखार जानवर है, डरिया तो लोग है ही है, और सब सुरक्षा अपने आप कर रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं लोग, तो बहुत परेशानी वाली बात है। आप बताएं,
ये परसों से हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है और हम लोग बहुत खुद परेशान है, रात रात जगना पड़ रहा है, इसलिए इस जानवर से हम लोग खुद डर रहे हैं। और ये सियार नहीं है, भेड़िया है, इसलिए हम लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ बंदोबस्त किया जाए। आपको बता दें कि जहां वन विभाग उसको सियार बता रहा है, गांववासी ये मानने को तैयार नहीं है, वो इसको भेड़िया करार दे रहे हैं, साथ में ये लोग रात रात जग रहे हैं, लेकिन वन विभाग भी जो है मुस्तैद है अपनी जगह पे। वन विभाग जो है यहाँ की जो रेंजर वेणुपाल हैं वो बराबर यहाँ कामबिंग कर रहे हैं, और जो वन विभाग के और लोग हैं वो लोग भी कर रहे हैं। जब कल रात में यहाँ पर कोई चीज़ देखी गई तो उसके बाद भी वन विभाग के लोग यहाँ आए थे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ग्रामवासी जो है पूरी पूरी रात जग कर और अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, अपने बच्चों की सुरक्षा कर रहे हैं, अपने मवेशियों की सुरक्षा कर रहे हैं। और इनकी ये मांग है कि जल्दी जल्द से जल्द जो है इस मुसीबत से छुटकारा दिलाया जाए। आई इंडिया के लिए अनूप रस्तोगी की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।